हाय, मैं हूँ सीए गौरव सबरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से, एंड वेलकम टू माय संडे व्लॉग। आज के व्लॉग के अंदर मैं आपसे बातचीत करने आया हूँ कि कैसे कई सारे स्टूडेंट्स कॉमर्स फील्ड के अपना करियर अभी तक चूज़ करते आए हैं, और इस प्रोसेस के अंदर मेरे हिसाब से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। मगर सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये चैनल मैंने क्यों शुरू किया। सबसे पहला जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैं ये चाहता हूँ कि जो इस चैनल के व्यूअर्स हैं, भले वो स्टूडेंट्स हों या पेरेंट्स, कॉमर्स की फील्ड के अंदर मैं चाहता हूँ कि आप कम्प्लीटली अवेयर रहें कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। और इसलिए मैं लगातार इस चैनल पे अलग अलग करियर से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। सिर्फ अलग अलग ऑप्शंस का पता होना काफ़ी नहीं, और इसलिए हमारी जो भी वीडियोस होती हैं उसके अंदर अलग अलग फैक्टर्स जो डिसीजन मेकिंग के लिए एसेंशियल हैं उनको मैं कवर करता हूँ। और एक और बहुत ही खास बात, 99% जगह पे, भले आप स्कूल में पढ़ रहे हों, कॉलेज में पढ़ रहे हों, किसी काउंसलर के पास जा रहे हों, कोई भी आप लोगों को ये नहीं बताता है कि स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। हर कोई ये बताता है कि ये डिग्री ले लो, इससे बड़ा बेनिफिट होगा, मगर वो ये नहीं बताते कि रियल लाइफ के अंदर रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नॉलेज के साथ स्किल की भी ज़रूरत होती है। और कई नौकरियां तो ऐसी होती हैं या कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर नॉलेज से ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है। और इसीलिए हमारे इस चैनल के ऊपर गेट स्किल सेगमेंट मैंने लॉन्च किया, जो करियर ट्यूजडेज के बाद अब सबसे बड़ा सेगमेंट होने वाला है। चले पहले तो फटाफट से बात करते हैं कि करंट सिनेरियो के अंदर स्टूडेंट्स अपना करियर डिसाइड करने के लिए क्या क्या चीज़ों को कंसिडर करते हैं। अब जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जितने भी क्राइटेरिया ये गलत हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये क्राइटेरिया इनकम्प्लीट है, यहाँ पर कुछ ना कुछ कमी है। और जो चीज़ें मैटर करती हैं करियर का डिसीजन लेने के लिए, वो कई बार इन कारणों की वजह से हम मिस आउट कर जाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी भी 11th में कॉमर्स चूज़ करके एंट्री ली ही है। अब कई बार ऐसे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनके अंदर वो एडमिशन भी अभी ले सकते हैं, पढ़ना भी अभी शुरू कर सकते हैं, और साथ ही साथ में एग्ज़ाम भी अभी दे सकते हैं, जैसे कि ACCA और CIMA, या फिर कई सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिसके लिए प्रिपरेशन 12th से ही शुरू कर देनी होती है। और क्योंकि स्कूल्स के अंदर जो हमारे टीचर्स हैं वो खुद अवेयर नहीं हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स मिस आउट कर जाते हैं एक अर्ली स्टार्ट की। आई एम 100% श्योर काफ़ी सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके साथ यही हुआ होगा। 12th क्लियर कर लिया, रिजल्ट आया, और फिर हमें पता चला कि अरे एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन तो हमें पहले से शुरू करना था, अब बहुत कम समय बचा है। या फिर सर हमें तो पता ही नहीं था CIMA ACCA 11th के साथ ही हम शुरू कर सकते थे, हमारा तो 2 साल का समय बच जाता। साथ ही साथ में इस संडे हमने एक पोल रिलीज़ किया जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने वोट किया और ये बताया कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं वो कौन सा कोर्स कर रहे हैं, उनको हम फॉलो करते हैं। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत बात है, हो सकता है कि जो वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसकी रिसर्च रिलायबल हो और उसी रास्ते पे चलने से आपको भी सक्सेस मिल सकती हो, बट ये कई बार गलत भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं और 11th के अंदर अकाउंट्स और मैथमेटिक्स के अंदर आपका परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा है, मगर आपकी क्लास का जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसने अकाउंट्स और मैथमेटिक्स दोनों के अंदर ही बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस किया है, और उसी को ध्यान में रखते हुए वो एक कोर्स को परस्यू करने के लिए जाता है। और अब वो स्टूडेंट्स जो अकाउंट्स और मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं है, वो अगर उसी कोर्स को परस्यू करने के लिए जाएगा तो हो सकता है कि ये डिसीजन उसके लिए गलत हो जाए। एक और बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम मैंने देखा है स्टूडेंट्स के साथ, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि अपने डिसीजन को पोस्टपोन करना, जिसके अंदर ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सोशल मीडिया में लगे रहते हैं। नेटवर्किंग एक अच्छी बात है, मगर कई बार मैंने स्टूडेंट्स को करियर रिलेटेड डिसीजंस लेने के लिए डिले करते हुए देखा है, क्योंकि वो इन चीज़ों में व्यस्त थे और सही समय पे सही डिसीजन वो नहीं ले पाए, और अब उनके पास चॉइसेस कम बच गई। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद उसको रियलाइज हुआ, अरे ग्रेजुएशन में तो ज़्यादा समय लगता नहीं था, मैं एक प्रोफेशनल कोर्स भी साथ में कर सकता था। आई एम श्योर बहुत सारे इस वीडियो को देखने वाले ऐसा एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। वैसे ही कई सारे लोग अपने रिश्तेदारों को जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहे हैं उनसे भी कंसल्ट करते हैं, और करना भी चाहिए, हमें जहाँ से इनपुट मिले हमें लेना भी चाहिए, और स्पेशली सक्सेसफुल लोगों से तो ज़रूर बात करनी चाहिए। मगर यहाँ पर एक सेल्फ एडवोकेसी थ्रेट मैं कहता हूँ आ जाता है। अब फॉर एग्जांपल, मेरे से कोई पूछ रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छा कोर्स है कि नहीं, तो आपको क्या लगता है, मैं ये बोलूँगा कि ख़राब कोर्स है। अब क्योंकि मैंने खुद चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया है, तो द प्रोबेबिलिटी इज़ कि मैं क्या करूँगा, सेल्फ एडवोकेसी करूँगा। इसका मतलब क्या है, मैं कैसे भी करके CA एक अच्छा कोर्स है ये प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ये देखने की बजाय कि जिसे मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ क्या सच में CA उसके लिए एक सही ऑप्शन है, या फिर कोई दूसरा कोर्स उसे करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने रिलेटिव से बात नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप उनसे बात तो करें मगर खुद की रिसर्च भी करें। अब करियर डिसीजंस के लिए कई सारे स्टूडेंट्स काउंसलर्स के पास भी जाते हैं, विच इज़ अ गुड आइडिया, क्योंकि वो लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह लेते हैं,
आपसे कुछ फीस चार्ज करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आपके लिए कौन सा करियर चॉइस सही रहेगा। इस केस के अंदर कई बार गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ ये होती है कि वो ये तो बता देते हैं कि कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, मगर क्योंकि आपने उस एडवाइस के लिए 2000 रुपये उन्हें दिए थे, आप बिना सोचे समझे उस करियर चॉइस को चूज़ कर लेते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, जो भी करियर ऑप्शन आप चुनते हैं और उसके अंदर अपने 2-3 साल डेडिकेट करते हैं, ज़िंदगी भर आपको उसे निभाना पड़ेगा और उसी पे आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। तो काउंसलर से एडवाइस तो ले ली, मगर फिर भी खुद का रिसर्च बिल्कुल करना है। तो आज की डिस्कशन का पॉइंट यही था, आपको बताना कि कैसे कैसे हम अभी तक डिसीजन लेते आए हैं और उसमें कुछ कमियाँ हैं, उसके ऊपर हमको वर्क करना चाहिए। किसी भी करियर से रिलेटेड डिसीजन लेने से पहले आपको ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है, क्या काम करने में आपको मज़ा आता है, आपका पैशन क्या है। उसके बाद आपको देखना चाहिए आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। ऑप्शंस पता होने के बाद हर ऑप्शन को इवैल्यूएट करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स आपको कंसिडर करने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इसके अंदर कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे करियर ट्यूजडे सेगमेंट के अंदर एक के बाद एक वीडियोस देख सकते हैं। एंड एज अ कॉमर्स एंड फाइनेंस स्टूडेंट आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है आप ये देख सकते हैं और उनका इन डेप्थ एनालिसिस समझ सकते हैं। इसके बाद आपको अपना इंडिपेंडेंट रिसर्च करना होगा। और हाँ, जहाँ दिक्कत आए आप मुझसे सवाल तो कर ही सकते हैं, कॉमेंट सेक्शन तो है ही। एक और बहुत ही ज़रूरी बात, कभी भी सीखना बंद ना करें। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आपको सिर्फ एक क्वालिफिकेशन करने से बात नहीं बनती। यू शुड टारगेट मल्टीपल क्वालिफिकेशन। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ क्वालिफिकेशन ही हम करें, आप स्किल के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटवर्किंग स्किल्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, कंप्यूटर लिटरेसी, और ऐसे कई सारे स्किल्स हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, जिससे आपकी वैल्यू प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर लगातार बढ़ती चली जाए। मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमारा जो सेगमेंट है एग्जिट स्किल का, लगातार इसके अंदर अब मैं स्किल से रिलेटेड वीडियोस डालता रहूँगा और बहुत ही जल्द शॉर्ट कोर्सेज भी हम लॉन्च करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्कशन, ये संडे ब्लॉग जिसने भी देखा है, वो अब अपने करियर रिलेटेड डिसीजंस बहुत ही सोच समझ के लेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपके CA गौरव सर आपको, दैट्स राइट, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।